हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वैदिक गणित के अंदर वर्ग हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। साथियों, इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम किस प्रकार से गुणा करते हैं वैदिक गणित में, निखिलम सूत्र के द्वारा, उधर्व तिरंग्याम विधि के द्वारा, और भाग पढ़ा था हमने निखिलम के द्वारा और प्रायोजितीय योजितीय के द्वारा। आज हम चर्चा करते हैं किस प्रकार से वर्ग ज्ञात करते हैं। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो अपना वर्ग आता है। ये हम निखिलम आधार विधि से या उपाधार विधि से दो तरीके से करके देखते हैं कि हम चलिए अब हम चलते हैं वीडियो पे। अब देखिए, निखिलम आधार विधि है आपकी, इसमें आपका सूत्र जो होता है, मैं सूत्र लिख देता हूं। सूत्र आपका है संख्या का वर्ग बराबर आपका संख्या प्लस विचलन। ठीक है दोस्तों, ये विचलन ऑब्लिक आपका विचलन का वर्ग, ये आपका सूत्र है। ये पुस्तक आपकी जो दसवीं में है उसका चौथा सवाल है कि 103 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अपने पास क्या है, निखिलम आधार विधि से करते हैं इसे, तो अपने पास संख्या और ये विचलन दो चीज लिख देते हैं। उससे पहले हम देखते हैं इसमें हम आधार क्या मानते हैं। आधार आपका कितना मानेंगे, 100 के पास में है इसलिए 100 मान लेते हैं। आपकी संख्या आपके पास 103 फिर 103। ठीक है दोस्तों, विचलन आपका 03 03 03 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमने आधार 100 माना, 100 में 2 जीरो है इसलिए आपके पास क्या होगा, विचलन दो अंकों में यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं। ये आधार निखिलम आधार विधि से हम कर रहे हैं, इसमें इसको जोड़ते हैं या इसमें इसको जोड़ लेते हैं। ये आपके पास 103 प्लस 03 ऑब्लिक विचलनों का गुणा यानी 03 गुणा 03। ठीक है दोस्तों, अपने पास ये हो गया 106, 103 में 3 जोड़ेंगे 106 हो गया, ऑब्लिक इनको गुणा करते हैं तो 09 आता है। इस प्रकार से आपका 106 और 09 हो गया। इसी को हम सूत्र के आधार पर करते हैं, इस सूत्र के द्वारा इस प्रकार से करके देख लेते हैं। देखिए अपने पास क्या है, आपका सूत्र बराबर संख्या, संख्या का वर्ग यानी कि आपके पास 103 का वर्ग बराबर संख्या, संख्या का मतलब है आपका 103 दे रखा है, प्लस आपका विचलन, विचलन का मतलब आपका 03 ऑब्लिक विचलनों का वर्ग यानी 03 का वर्ग हमें करना है, 03 को 03 से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, ये 106 हो गया, 103 में 3 जोड़ेंगे 106 ऑब्लिक ये आपके पास 09 हो गया। इस प्रकार से 106 इसको हटा देते हैं, अपने पास ये लिख देते हैं। देखिए अपने पास यहाँ और यहाँ दोनों ही समान आंसर हो गए। तो साथियों एक और उदाहरण लेते हैं, जो पाठ्य पुस्तक का सवाल अपना 95 स्क्वायर 95 का वर्ग हमें ज्ञात करना। तो इसमें भी हम पहले क्या, सबसे पहले आधार ज्ञात करते हैं। इसका आधार मानेंगे, आधार 100 के पास है इसलिए हमने 100 आधार मान लिया। यहां लिखेंगे हम संख्या और यहां लिखेंगे विचलन। ठीक है दोस्तों, ये निखिलम आधार विधि से हम कर रहे हैं। संख्या आपकी 95 95, गुणा का मतलब दो बार गुणा करना है। यहाँ आधार से क्या है, 05 कम है, माइनस में है, विचलन क्या है आपका -5 आएगा, 05 आएगा। यहाँ हम लाइन खींच देते हैं, इनको जोड़ लेते हैं या इनको जोड़ लेते हैं, दोनों में से एक को जोड़ना है, यानी इसको ले रहे हैं, इसके शीत वाली संख्या को छोड़ दो, बाकी जितने भी होते हैं सबको जोड़ लो। ये 95 प्लस 0 माइनस के 05, ठीक है ना साथियों। अब यहाँ पर अपने पास क्या, विचलन का गुणा यानी -05 गुणा माइनस के 05। ठीक है दोस्तों, आपके पास ये तो गया, 95 से 5 का घटा देंगे अपने पास 90 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इनको हम गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, और 5 और 5 आपके पास गुणा हो गया 25 हो गया। आधार में 2 जीरो है, इधर 2 अंक होने चाहिए, 2 अंक हो गए,
पिछले सवाल में नहीं थे तो एक जीरो हमने लगा दिया। इस प्रकार से 9025 अपना जो आंसर हो गया। चलिए साथ इसी को हम सूत्र के द्वारा कर लेते हैं। सूत्र के द्वारा करते हैं तो अपने पास संख्या क्या है, ये जैसे आपकी संख्या 95 का स्क्वायर हो गया, आगे आपकी संख्या प्लस विचलन, विचलन आपका क्या माइनस का 5 और विचलनों का वर्ग, माइनस 5 का वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, 95 माइनस 5 यानी कि 90 हो गया। ठीक है, यहाँ इसका वर्ग करेंगे तो 25 हो गया। इस प्रकार से 9025 यहाँ और यहाँ दोनों ही सूत्र से निकलम आधार विधि से दोनों ही समान आ गया। चलिए साथी हम अब हमने आधार विधि पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं निखिलम उपाधार विधि, यानी उपाधार अगर हो तो हम किस प्रकार से वर्ग याद करते हैं। पहली बात आती है उपाधार क्या होता है, उदाहरण लेके देखते हैं। अपने पास जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं, ये छठा सवाल पाठ्य पुस्तक आपका 204 का वर्ग याद करना। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि इसका आधार हम क्या मानते हैं, आधार हम मान लेते हैं इसका 100। ठीक है दोस्तों, अब हमारे उपाधार अंक जो याद करते हैं, 100 को किससे गुणा करेंगे, 200 के पास की संख्या आ जाती है अपने, तो 2 से गुणा करने पर 200 आ जाएगा, तो उपाधार अंक क्या रहेगा आपके पास 2 और विचलन आपका हो जाएगा आपका 4। ठीक है दोस्तों, 04 लिखेंगे क्योंकि 2 अंक है इसलिए। अब हम निखिलम आधार विधि के द्वारा उपाधार विधि के द्वारा हम हल करते हैं, तो यहां पे लिखिए, देखिए अपने लिखिए संख्या और ये विचलन। ठीक है दोस्तों, ये आपका विचलन है। अब यहां पे संख्या आपके पास क्या 204 है, 204 है, यहां पे विचलन आपका 04 04, ये लाइन खींच देंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान से सुनिएगा, आधार देखेंगे 100, उपाधार अंक 200 को किससे गुणा करेंगे 201, तो अपना अंक हो गया 2 और इसका विचलन आपका 04 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास तरीका वही है जैसे हम निखिलम में गुणा करते थे वैसे ही इसमें भी करना है, लेकिन यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा बदलाव करना है। देखिए क्या है, यहाँ आपका उपाधार अंक आ रहा है इसलिए 2 लिखेंगे पहले, फिर 204 संख्या लिखेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे 04 को ओब्लिक गुणा 04। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास 2 गुणा ये 208 हो गया इंटू आपके पास 16 हो जाएंगे, इसको गुणा करेंगे तो ये आपके पास 416 हो गया ओब्लिक 16, और इस प्रकार इसको हम आगे लिखते हैं तो आपके पास 416 और 16, ये आपके पास संख्या आ जाती है इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार 41616 आपकी इस निखिलम उपाधार विधि के द्वारा आ गई। इसी को सवाल को हम सूत्र के द्वारा करते हैं, तो देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपका क्या है, सबसे पहले उपाधार अंक संख्या का वर्ग 204 है, ये 204 लिख दिया, तो सबसे पहले तो इसका उपाधार अंक लिखना, आपको सूत्र के अनुसार 2 लिख दिया, फिर संख्या लिखनी 204 लिख दी, फिर इसका विचलन लिखना 04 लिख दिया, फिर ओब्लिक करके विचलनों का वर्ग, विचलन अपने पास क्या है 04 है, ये 04 का वर्ग कर लिया। ठीक है दोस्तों, अपने पास 2 और ये गुणा करेंगे, गुणा का निशान लगेगा यहाँ पे, और ये जुड़ जाएंगे 204 और 4 आपके पास 208 हो गए, ऑब्लिक ये आपके पास 4 का वर्ग जो होता है 16 होता है, तो अपने यहाँ 16 लिख दिया। अब ये जो गुणा हो जाएगा दोनों 2 × 208 इनको गुणा करेंगे तो अपने पास ये आएगा 416। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास ऑब्लिक आपके पास क्या है 16 है, ये लाइन आधी सही खींचनी ताकि आपको जान रहे, और इसको हम वापस इस लाइन को हटा देते हैं और ये आपके पास संख्या आ जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से और यहाँ से सूत्र के द्वारा किया और निखिलम आधार विधि के द्वारा किया, दोनों से हमारे पास क्या समान आंसर आ गया। चलिए साथियों, हम एक सवाल और ले लेते हैं आपका, जैसे आपका ये 7वां सवाल है पाठ्य पुस्तक का, इसमें आपका 225 का वर्ग हमें करना है। हम पहले निखिलम उपाधार विधि के द्वारा करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका पहले आधार क्या हो जाएगा, हम आधार मानेंगे क्योंकि 100 के गुणा में है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे
आधा सो लिखेंगे, फिर उपाधार लिखेंगे, उपाधार आपके क्या है, सो को दो से गुणा दो सौ जाएंगे, ये दो सौ दो लिख दिया। और विचलन जो अपना है वो है 200 से ज्यादा संख्या है 25, विचलन आपका प्लस में आएगा। यहाँ साथ ध्यान रखना, विचलन आपका यहाँ पे क्या है, प्लस में है। यहाँ मैं संख्या लिखता हूँ और यहाँ मैं विचलन लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ आपकी संख्या 225, ये विचलन 25, ये 225 और विचलन आपका 25, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखने की चीज है, हम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे उपाधार अंक से जरूर गुणा करना है, फिर आपको 225 और प्लस आपको क्या करना है, ये संख्या है नहीं, इसके शीत वाली संख्या और इसके नीचे वाली सब संख्या छोड़ दें, ये वाली छोड़ दी, ये वाली छोड़ दी, ये ले ली, इसके बाद में जो संख्या है उसको यहाँ लिखना है, ठीक है ना। निखिलम उपाधार विधि में आपको, अब ये आपके पास विचलन का गुणा, विचलन का गुणा 25 × 25, ठीक है दोस्तों। अपने पास ये हो गया 225 में 25 अगर हम जोड़ते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ऑब्लिक ये 25 और 25 को अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास देखिए 625 हो जाते हैं। कितने होते हैं साथियों, 625 होते हैं। अब हम इनको गुणा कर लेते हैं, इनको ये आपके पास 250 का दूना करना है, 500 हो जाएंगे, ये 625 है जी हाँ सर। तो लेकिन यहाँ पे आधार में अपने पास क्या है, दो जीरो है, तो इस कॉलम में केवल दो संख्या ही रहेगी, बाकी ये 6 है इसमें आके जुड़ जाएगा। इसको मैं इधर लिखता हूँ, देखिए साथियों इधर जोड़ेंगे अपने पास ये 500 में 6 जोड़ेंगे, 506/25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो संख्या हो जाएगी 506 और ये 25, इस प्रकार से आपके पास 50,625 संख्या आ गई। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, बेल आइकन नोटिस दबा लेवे, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसी को मैं सूत्र के द्वारा करके दिखाता हूं। सूत्र में आपका क्या है, 225 का वर्ग करना है, ये वर्ग किया। आपका उपाधार अंक कितना लिया हमने, 2 है साथियों, कितना है 2। आपकी संख्या कितनी है 225, प्लस विचलन कितना है 25, ठीक है दोस्तों। और ये विचलनों का वर्ग यानी 25 का वर्ग कर लिया। इधर आपका 2, इसको 225 में 25 जोड़ेंगे तो 250 ऑब्लिक ये आपके पास 25 का वर्ग करते हैं, अपने पास 625 आता है जी हाँ साथियों, कितना आएगा 625। इधर अपने पास गुणा करेंगे ये 500 625, ठीक है दोस्तों। अपने पास देखिए, अपने पास आधार में क्या है, 100 है, तो इधर आपके पास दो अंक ही रहने, एक अंक यहाँ के जुड़ेगा, ये 50 500 में 6 जोड़ देंगे, इधर आएगा 506, इधर क्या बचेगा 25, इस प्रकार से अपना जो आंसर हो जाएगा 50,625 यानी 225 का जो वर्ग है आपका 50,625। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना जो अगला वीडियो है वो है आपका कि घनफल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।